सिमिलैरिटी आई एम रिकॉर्डिंग द लेक्चर बिकॉज कोई बच्चे आ नहीं पाए होंगे, रीना और वो क्रांति, बिटवीन देम इट इज नोन एज सिमिली. यूजुअली द वर्ड एज लाइक, देखो सिमिली में इंपॉर्टेंट है एज लाइक, ये जो वर्ड है अगर वो सेंटेंस में आए, तुम्हें पोएम के अंदर ढूंढना है एक लाइन है, तुम्हारे को लग रहा है ये फिगर ऑफ स्पीच है, अगर ये वो फिगर ऑफ स्पीच में एज और लाइक ये वर्ड आते हैं तो तुम्हें मार्क करना है उसे सिमिली. अंडरस्टूड? आर यूज फॉर कंपेरिजन, ये है डेफिनेशन. और पहला वाला एग्जाम्पल, ही वॉज brave as lion. देखो as ये वर्ड आ गए हुए मेरे, तो मतलब ये फिगर ऑफ स्पीच क्या होती है, सिमिली हो गई. नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज मेटाफर. क्या है फिगर ऑफ स्पीच? मेटाफर. अब मेटाफर में भी कंपैरिजन रहता है, पर दोनों में डिफरेंस रहता है. व्हेन अ वर्ड और फ्रेज इज इनडायरेक्टली कंपेयर्ड, जैसे फॉर एग्जांपल पहले वाले इसमें ही वाज एज ब्रेव एज लायन बोला था मैंने, अगर मैं उसे ऐसे बोलू ही वॉज लायन इन द फाइट, मतलब यहाँ पे क्या एज और लाइक ये वर्ड आए नहीं, ही वॉज लायन इन द फाइट, जिसमें एज और लाइक ये वर्ड आए नहीं, तो मतलब वो क्या है, मेटाफर, उसको इंफोसिस करता. ऐसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया ही इज मैड, अगर मैंने बोला ऐसे ही इज मैड, नहीं तो ही इज मेंटल सबसे अच्छा, ही इज मेंटल, और वो इंसान अगर अच्छा है, नॉर्मल है, तो इसका मतलब क्या कर रहा मैं, तुम लोगों का कंपैरिजन कर रहा उस इंसान का, किसी से, किसके साथ, पागल इंसान के साथ. तो वैसे जो इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता तो वो होता क्या बोलते, उसको बोलते मेटाफर. ओके, समझ गया? सो इवन दो द टू मे नॉट और नॉट हैव सेम लिटरल मीनिंग, इट इज नोन एज मेटाफर, उसको बोला जाता है मेटाफर. अभी समझ गया होगा तुम्हें क्लियरली. So, पहला वाला एग्जाम्पल, आई वॉज लॉस्ट इन द सी ऑफ नेमलेस फेसेस. अभी तुम बोलेंगे ये कैसे एग्जाम्पल है, आई वॉज लॉस्ट इन द सी ऑफ नेमलेस फेसेस, मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल अभी किसका एग्जाम्पल लू, सपोज निधि है, निधि एक पार्टी में जाती है, सपोज निधि को कुछ 99% आते हैं 10th में, तो उसकी जो फेलिसिटेशन करने के लिए उसको बुलाते हैं एक जगह पे, और उसको फेलिसिटेशन के लिए बुलाए, और वहां पे निधि का कोई पहचान का नहीं है, तो निधि तब बोलेंगी आई वॉज लॉस्ट इन अ सी ऑफ नेमलेस फेसेस, मतलब वहां पे मेरा कोई भी पहचान का नहीं है. उन्होंने ये पहले वाले सेंटेंस में क्या कैसे कंपेयर करा है, सी से कंपेयर करा है फेसेस को. यहाँ पे भी कंपेरिजन हुआ, बट यहाँ पे एस और लाइक ये वर्ड नहीं है, इसलिए इसे बोलता जाता है मेटाफर्स. ओके, सो द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ही वॉज The black sheep of the family. किससे कंपेयर कर रहा है? ब्लैक शीप से. ही उसको कंपेयर कर रहा है. सो टीशा गॉट कोल्ड फीट बिफोर हर बिग परफॉर्मेंस. टीशा गॉट मतलब उसके पैर सुन्न गिर गए परफॉर्मेंस के पहले. मैंने क्या सिंपली इधर लिखा है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अ सिमिली एंड मेटाफर. द मेन डिफरेंस बिटवीन अ सिमिली एंड मेटाफर इज दैट सिमिली यूजेस कनेक्टिंग वर्ड सच एज लाइक एंड एज, एंड वेयर एज मेटाफर डज नॉट. देयरफॉर अ सिमिली इज अ डायरेक्ट कंपैरिजन व्हाइल मेटाफर इज अ रेटोरिकल कंपैरिजन. रेटोरिकल मतलब क्या, क्या रहता है रेटोरिकल? हेलो, अनम्यूट करो ना 2 मिनट. रेटोरिकल क्या रहता, ये क्वेश्चंस के आंसर देना है whether it is simile or metaphor. पहला वाला है her skin was as white as snow, क्या है? Simile. नेक्स्ट वाला जॉ, मैंने simile की स्पेलिंग रॉन्ग लिख दी. John sleeps like a baby
ऑल नाइट क्या होता है मेटाफर बोला था मैंने क्योंकि लाइक वर्ड आ गया है इसमें हाँ, तो यस सर, यस सर। वो वर्ड को भी हाईलाइट कर लेता तो मतलब क्लियर हो जाएगा तुम लोगों को इधर एज वर्ड था इसलिए लाइक वर्ड आया थर्ड वन मेटाफर शंभू भी है यहाँ पे Yes, what is next one? Simile. Again, simile? Kya as word idhar? Like hai kya? Like hai sir, like. Easy hai na figure of speech, what? 8 standard? Yes. Yes, sir. Next one, laughter is the music of the life, of the soul. Metaphor. Ye barabar metaphor bola tumne. Idhar like word nahi hai. Abhi... ये टाइपिंग में कुछ ना कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो जाते हाँ नेक्स्ट वन बोलो मेटाफर ही है क्या नेक्स्ट वन भी यस सर इज प्रिया हियर नेक्स्ट वन द डिटेक्टिव लिसन टू हर मेटाफर मेटाफर नाइन साइडेड तुम भी आंसर दे सकते ऐसी कुछ नहीं है हाँ आई थिंक दैट न्यू सिंगर इज अ डायमंड इन द रफ मेटाफर तुम्हारे को अभी स्पेन डिफरेंस समझ जाऊंगा व्हाट इज सिमिली एंड व्हाट इज मेटाफर हाँ यस सब क्लियर है अभी हम थर्ड वाले पे बढ़े फिर से फिर आगे थर्ड वाला है पर्सनिफिकेशन पर्सनिफिकेशन है वो अभी मेटाफर नहीं है पर्सनिफिकेशन ये क्या रहता पर्सनिफिकेशन अब तुम वो पढ़ो इसको और मेरे को आइडिया दो 8 स्टैंडर्ड ही है अभी म्यूट कर सकते हैं आप चलो होगा टाइम वही बोलता पर्सनिफिकेशन अभी जरा म्यूट कर लो सबको क्योंकि आवाज आएंगी पर्सनिफिकेशन में क्या रहता जो एक एक नॉन लिविंग थिंग रहता है नॉन लिविंग थिंग उससे ह्यूमन क्वालिटी दी जाती है जैसे फॉर एग्जांपल स्टार्स आर डांसिंग बोले तो डांसिंग जो रहती है वो ह्यूमन बींग की क्वालिटी रहती है लिविंग थिंग की क्वालिटी रहती है वो डांस नहीं कर सकता समझा पर्सनिफिकेशन समझा नम्रता हाँ yes, कैसे इधर डेफिनेशन पढ़ता हूं मैं इन पर्सनिफिकेशन इन एनिमेट थिंग और इवन आइडियाज आर ट्रीटेड एज दो दे वर ह्यूमन बीइंग और पर्सन स्टोन्स आर फ्लाइंग स्टोन्स फ्लाई थोड़ी होते हाइपरबोल पे हो गया ओके अभी पहला वाला एग्जाम्पल है दैट लेस हिज आईसी हैंड्स ऑन किंग हाँ तो यहाँ पे दिया है पहले एग्जाम्पल मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया दैट इज पर्सनिफाइड क्योंकि जो डेथ है वो नॉन लिविंग थिंग है जो कभी दिखती नहीं है उसने अपने जो आईसी हैंड्स बोले तो डेथ के ठंडे हाथ में रहते मतलब उस उनके क्या बोलते बेरहम हाथ बेरहम क्रुएल हैंड्स वो किंग के ऊपर रखे मतलब किंग की मौत हो गई तो डेथ इज पर्सनिफाइड इट हैड हैंड्स व्हिच इज लेस इट लेस ऑन द किंग अभी नेक्स्ट वाला द शैडो ऑफ द मून डांस्ड ऑन द लेक मून की डांसिंग डांस करे ना मून की डांसिंग इसलिए पर्सनिफिकेशन हो गया मून डांस कर रहा था मून की शैडो देयर वाज वन सेकंड सॉरी आई कांट रिकॉग्नाइज योर वॉइस देयर वाज अ हैवी थंडरस्टॉर्म
कहीं से थंडरस्टॉर्म, हैवी थंडरस्टॉर्म मतलब बहुत ज्यादा हुआ. द विंड स्नॉर्टेड आउटसाइड रैटलिंग माय विंडोज पेन. इसमें कैसे क्या आ गया, स्नॉर्टेड बोले तो क्या रहता, अरे जल्दी जल्दी ढूंढो गूगल पे स्नॉर्टेड का मीनिंग क्या है. मतलब फैल जाना. आदिति ना ये मूव होना. स्नॉर्टेड का स्नॉर्टिंग का मीनिंग वो होता है क्या बोलते हैं, खराटे मारना नहीं बोलते क्या हम उसको, स्नॉर्टिंग बोलते हैं. मतलब स्नॉर्टिंग उसका आवाज आ रहा था स्नॉर्टिंग का, तो ये खराटे मारना है, वो ह्यूमन बींग का कंपैरिजन, इसलिए इसको बोला गया है पर्सनिफिकेशन. ओके नाउ नेक्स्ट वाला, द फ्लावर्स वर ब्लूमिंग एंड द बीज किस्ड देम एवरी नाउ एंड देन. ब्लूमिंग हाँ, खिलना तो फ्लावर की क्वालिटी है, पर बीज है ना उसको टच कर रहे थे, बीज को किसिंग की क्वालिटी दी हुई है, इसलिए उसको बोले हुए है पर्सनिफिकेशन. द फ्लड रेक्ड ओवर द एंटायर विलेज. ओके रेक्ड का मीनिंग क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी इंसान ने फटे हुए फटे पुराने कपड़े पहने, अब तुम ये मत बोलना रेक्ड बोले तो जो फटी हुई जींस पहनते डैमेज पैंट वो भी एक टाइप ऑफ रेक्ड होगा, बट है ना रेक्ड बोले तो देखो विलेज कैसी ब्यूटीफुल रहता पहले, फिर बाद में फ्लड आने के बाद पूरा टूट फूट जाता, वो फट जाता पूरा, तो उसको बोलते रेक्ड. समझा क्या? यस सर. व्हिच इज टोन अवे व्हिच इज डर्टी. हमारे डैमेज पैंट डर्टी नहीं रहती, वो तो साफ सुथरी रहती, पानी में धोई रहती. द थ्रेड ऑफ द टाइम इज सो रूथलेस दैट इट ट्रैम्पल्स इवन द किंग अंडर इट्स फीट. ट्रैम्पल्स बोले तो कुचलना. ये जैसे पर्सनिफिकेशन जान, सभी पर्सनिफिकेशन है ना, तो ये सब तुम लिख दिया लेंगे अपने नोटबुक में एग्जाम्पल में लिख डालना, मैं शेयर कर दूंगा लगा सबको, मतलब स्क्रीनशॉट ले लो आप. क्या करते, मुझे तो मालूम है स्क्रीनशॉट कोई नहीं लेने वाला. रुको मैं देखता हूं. सर मैंने लिया. ले लिया सर. ग्रुप पे शेयर करके देखो ना फिर. रुको ग्रुप पे मैं शेयर करता हूं तुम्हारे द मीनिंग ऑफ इंटरोगेशन. क्वेश्चन मार्क से, ये मार्क से जो एंड होने वाला रहता है ना रिटोरिकल क्वेश्चन. अच्छा मुझे रिटोरिकल क्वेश्चन का मीनिंग बताओ सबसे पहले. यस नो टाइप क्वेश्चन. यस नो टाइप ऑफ क्वेश्चन. रिटोरिकल क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जिनका कोई आंसर नहीं रहता एक्सपेक्टेड. अगर सपोज तुम लोग चिल्ला रहे क्लास में और मैं आके बोलो आर यू इडियट्स, तुम लोग यस बोलने वाले कि मैं तो 800. अभी भी यस नहीं बोल रहे. यस हाँ कौन था, निधि है ना वो? नहीं सर. ओके सिंपली तुम इंट्रो जब कोई को, इसके पीछे ऐसे क्वेश्चन मार्क दिया रहता ना उसको इंट्रोगेटिव फिगर ऑफ स्पीच इंट्रोगेशन बोलते. समझ रहा? यस. इसलिए मैंने कम लिया एग्जांपल एम आई इडियट टू फॉल फॉर योर लाइफ, ये क्वेश्चन मार्क है इसके पीछे. और हु डू यू थिंक यू आर एक्टिंग दैट वे, ये है इंट्रोगेटिव. मैं इसे अभी कॉपी करके डाल रहा हूँ ग्रुप पे लगेज फोर्थ वाला. स्क्रीन दिख रही है ना मेरे? यस यस सर. अभी एक्सक्लेमेशन, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क रहता है इसलिए मैंने ये लिया. सो व्हेन आइडियाज और वर्ड्स एक्सप्रेसिंग स्ट्रॉन्ग इमोशन सच एज जॉय सरप्राइज, इसको बोलते एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेटरी मार्क रहेंगे ना इसी. दिख रहा है आपको? यस सर. उसको बोलेंगे एक्सक्लेमेशन फिगर ऑफ स्पीच.
आज के दिन पांच फिगर ऑफ स्पीच बस हो गए क्या? चार लेने? ओके सर। ओके सर ने क्या? मैं पूछ रहा तुम लोगों को दो क्या हो गया? चलो रुतुजा तुम्हारे क्लास को अच्छे से आते अपोस्ट्रोफ फिगर ऑफ स्पीच। Poetry and race and imaginary unit are obscene persons in ignorance. Start. बोले सर मतलब कोई राइटर या फिर किसी ने किसी के बारे में पोयम के द्वारा या फिर लेसन के द्वारा लिखा उसे एपोस्ट्रोफ कहते हैं। नहीं ऐसी नहीं है बिल्कुल भी, इट्स रॉन्ग, इसलिए मैंने बोला नाइन्थ। चलो एपोस्ट्रोफ फिगर ऑफ स्पीच क्या रहती, अगर स्क्रीन दिख रही होंगी मेरी, ये आखिरी फिगर ऑफ स्पीच लेंगे आज के, उसके बाद अपन रोक डालेंगे। So, apostrophe figure of speech बोले तो अगर सपोज अगर तुमने बचपन में एक पोएम पढ़ी थी ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, यस सर, सपोज यस सर, मैं और मणिराज बैठा है और मणिराज बहुत एजुकेटेड इंसान है और मैं अनपढ़ है, मुझे कुछ नहीं मालूम। अगर मणिराज वो पोयम अगर स्टार को तरफ देख के बोला, तारों की तरफ, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, मैं बोलूंगा किससे बात कर रही है? हाँ मैं क्या बोलूंगा, किससे बात कर रहा है? इसका दिमाग वगैरह तो खाली नहीं हो गया पूरा, किसी से बात करता है? हाँ या तो फिर क्या बोला जाएगा, अगर किसी इमेजिनरी पर्सन से बात कर रहे तुम, पहले ये ऐसी इस पे एक्सप्लेन करना बहुत डिफिकल्ट है ये वाला। और कुछ एग्जांपल देने, सी अगर फॉर एग्जांपल तुम और एग्जांपल अगर तुम कल रिजल्ट है तुम्हारा, समझो श्रीपा एक्चुअली में नहीं है, रहता भी था तुम घर पे थे, तुम्हारे को मालूम है लॉकडाउन खत्म नहीं होने वाला, तो तुम सपोज तुम रिजल्ट का दिन है, तुम्हें को मालूम है दूसरे दिन अगर तुम्हारे को रिजल्ट लेने के तुम्हारी मदर ने तो फादर आने वाले हैं, रिजल्ट देखने का बहुत फटके पड़ने वाले, तुम्हारे को पास या फेल का डाउट है तुम्हारा, तो तुम जाते मंदिर के सामने, मंदिर में भगवान की मूर्ति के सामने प्रे करते, प्रे करते तुम लोग, वो मूर्ति क्या सचिन भगवान रहता उधर बैठे हुआ, सचिन भगवान रहता क्या बैठे हुआ, स्टोन की रहती हो पत्थर की रहती मूर्ति, इसका मतलब तुम पत्थर से बात कर रहे हैं? यस सर। अगर सपोज इन शॉर्ट एपोस्ट्रोफ फिगर ऑफ स्पीच वो रहती जिसमें तुम इनएनिमेट पर्सन से बात कर रहे, जैसे तुम साइकिल पर जाते तुम्हारे, अगर तुम्हारे साइकिल से बात कर रहे तुम, तो वो क्या हो गया, इनएनिमेट पर्सन हो गया, जो आर्टिफिशियल नॉन लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग से बात करते होंगे ना तुम बहुत सारे, तुम्हारे मोबाइल से, तुम्हारे घर से, तुम्हारे क्या क्या, कौन कौन बात करता है इसे? करते का? कौन करता है ये? हाँ ये ड्राइंग बनाना चालू करती हूँ सर। नाम क्या? अश्विनी। अश्विनी बात करते हैं, हाँ बहुत सारी चीजों से बात करते होंगे ना, तो वो अपोस्ट्रोफ फिगर ऑफ स्पीच है, जैसे हवा तेज आई, हवा से बातें करना, तो वो फिगर ऑफ स्पीच है ना, अपोस्ट्रोफ रहती है। अभी अपोस्ट्रोफ एक्सक्लेमेशन और इंट्रोगेशन में फर्क रहेगा, अपोस्ट्रोफ फिगर स्पीच में इनएनिमेट से बात करता है, जैसे कि विंड से बात कर रहा, चांद से बात कर रहा, फिर वो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बोल रहा, ये सब चीजें है ना इनएनिमेट है, एग्जिट करता, एग्जिस्ट करता है क्या वो? नहीं करता है वो एग्जिस्ट, वो सब इनएनिमेट, सब इमेजिनरी थिंग्स है वो, तो उसको बोला जाएगा अपोस्ट्रोफ। इन शॉर्ट पागल लोग ने बात करते रहते कुछ ना कुछ किसी से, वैसे उसको अपोस्ट्रोफ बोला जाएगा। समझा गया तुम्हारे को ये फिगर ऑफ स्पीच? यस यस सर, यस यस। चलो मैं कॉपी कर रहा हूँ, अब ये कौन से महान इंसान ने ड्राइंग बनाई है, स्क्रीन पे वो रब कर दो,
तो आज हम यहाँ पे रुक रहे हैं, ओके सर, बाय।